जय मसीह की। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हाँ, सचमुच में प्रभु हमारे साथ बने रहते हैं, पर क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? आइए हम इस वचन को देखेंगे। पहला शैमुएल उसके हम देखेंगे 16वां अध्याय और उसके 14th पद में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से जो आत्मा, जो अच्छा और भला आत्मा शाऊल के पर था, वो उठ चुका था अब। और अब क्या हुआ था कि यहोवा ही की ओर से जो था एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, उसे परेशान करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब शाऊल इस बात को के लिए परेशान हो गया, तो उसके कर्मचारियों ने बोला कि ऐसा करो कि जो हमारे राज्य में एक व्यक्ति है वो बड़ा रूपवान है और वो परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता है, और जब वो वीणा बजाएगा तो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पास से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज परमेश्वर वचन हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है तो हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं। पर जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और जब कभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो ऐसा भला परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थना को सदैव सुनता है और अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपका और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, पर हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और दुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से ही एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लग गया। परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहती है। तो ये आज आपकी चॉइस है कि आप किस में बने रहना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो दुष्टता, बुरी बातें, बुरा विचार, लोभ, व्यभिचार, तरह तरह के पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और तरह तरह की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर में पाप के रूप में समा जाती है। परमेश्वर का आत्मा हम सबके अंदर पाया जाए, इसके लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने, जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि आ, और जब वो यीशु मसीह को देखता हुआ चला तो वो पानी पर चलने पाया। इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह ने पतरस को आज्ञा दी तब पतरस उस पर चलने पाया, पानी पर चलने पाया। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा उस सारपत की विधवा के पास जा, वहां मैंने तेरे लिए खाने का इंतजाम करा है, तो वो उस आज्ञा को मान करके गया और उस आज्ञा के अनुसार ही विधवा ने उस परमेश्वर के दास को उस रोटी से और उस पानी से तृप्त किया। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जो भी चीज परमेश्वर के लोगों के जीवन में होती है वो परमेश्वर के आज्ञा के बिना नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर चाहते हैं तभी उस चीज को अपने अनुग्रह और अपनी दया से पूरा करते हैं। तो जो परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, उसके जीवन में हर एक कार्य परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की मर्जी से होता है और वो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहला स्थान दे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सोचे कि जो भी आपके जीवन में काम हो रहा है वो परमेश्वर ही की आज्ञा है। परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हमें अपने दुश्मनों को 7 से 70 गुना भी क्षमा करना हो तो हम उन्हें क्षमा करें, उन्हें माफ करें। क्योंकि अगर हम अपने अजीजों को या अपने उन लोगों को जिनको हम अपने सामने देखते हैं माफ नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा नहीं करते। हम अपने लोगों से प्रेम नहीं करते, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। अगर परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक इस आज्ञा को जरूर मानेंगे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे। जिन्होंने हमारे अगेंस्ट में पाप किया हो या हमारे अगेंस्ट कोई गलत काम किया हो, तो उन्हें जरूर क्षमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें क्षमा किया और हम क्षमा किए बिना परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर सकते और परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।